अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2023 देने वाले हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया ब्राजील के मैप में मैप मार्किंग कैसे करनी है, प्लस जितने भी आपके 9 चैप्टर्स हैं उन सबके मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए। इसलिए इस वीडियो को आप गलती से भी स्किप मत करना, वॉच इट टिल द एंड। प्लस मैं आपको साथ के साथ मैप के अंदर भी मार्क करके दिखाऊंगा कि आपको कौन से पॉइंट को कहां पे मार्क करना है। एंड यस गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि आपको इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। प्लस हम इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 100 लाइक्स का, करवा देना। अब देखो, आज की जो वीडियो है ये सारे बच्चों के लिए स्टैंडर्ड 10th के, इसीलिए कोई भी इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। प्लस मैं आपको बता दूं, आप जब तक ब्राजील के मैप की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं जमने वाला है। आपको मिनिमम 3-4 टाइम्स इस मैप की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। प्लस आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टेट्स के नेम के बीच में। बहुत सारे बच्चे जो हमारे जो स्टेट्स के नेम है ब्राजील के, उन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। आपको आज से ही सारे स्टेट्स के नेम को याद रखना होगा। यस गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 2 पे। अब देखो, लेसन नंबर 1 में ऐसे कोई खास है नहीं मैप मार्किंग के लिए, इसलिए हम सीधा लेसन नंबर 2 पे जंप करने वाले हैं। 1 मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। फिर कैपिटल ऑफ ब्राजील ब्राजीलिया, ये आपको किधर मार्क करना है, ये आपको मार्क करना है सीधा इधर। अब देखो, ब्राजील के मैप के अंदर ऑलरेडी अलग से एक बॉर्डर बना हुआ है ब्राजीलिया के अंदर, आपको उसे ध्यान में रखना है, प्लस इसे अच्छे से मार्क करना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लस इंडेक्स के अंदर आपको पूरा लिखना होगा, डेट इज कैपिटल ऑफ ब्राजील ब्राजीलिया विथ सिम्बॉल। एंड यस गाइज, हर एक सिंबल एक दूसरे से पूरी तरह अलग होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, डेट इज नेबरिंग कंट्रीज। अब देखो, वो आपसे अलग से पूछने वाले हैं नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, डेट इज नॉर्दर्न साइड में कौन सी नेबरिंग कंट्री है या फिर सदर्न साइड में कौन सी नेबरिंग कंट्री है। ये आपको ब्राजील के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनको भी याद करके जाना होगा। सबसे सिंपल कंट्रीज हैं ये और ये वाली गुयाना और ये यूरुग्वे। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। अब आपका जो ये चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक के अंदर, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं रिवर्स के ऊपर। अब आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज रिवर अमेजोन, जो कि चालू होती है हमारे माराजो आइलैंड से और वो ब्राजील के बीच में से जाते जाते इधर एंड हो जाती है। आपको इसी तरह से रिवर को दिखाना होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि अगर हमसे 2 या फिर 2 से ज्यादा रिवर्स पूछ ली तो हम कैसे दिखाएं। आपकी हर एक रिवर अलग तरह से सिंबल में दिखनी चाहिए, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे हर एक रिवर को अलग दिखाया। प्लस आप हर एक रिवर को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हाईएस्ट पीक पीको डी नेब्लिना। अब बहुत सारे बच्चों की इसमें गलती होती है, 95% बच्चों की इसमें गलती होती है, दैट इज वो लोग पीको डी नेब्लिना को ब्राजील के अंदर हाईलाइट कर देते हैं। आपको अंदर गलती से भी हाईलाइट नहीं करते हैं। पीको डी नेब्लिना है हमारे ब्राजील के बॉर्डर के ऊपर, आपको बॉर्डर के ऊपर उसे मार्क करना होगा। अगर आप ब्राजील के अंदर मार्क कर रहे हो आपका एक मार्क्स कट होने वाला है, इसीलिए गलती से भी इसे याद रखना कि ये जो हमारा बैंड है आपको इस तरह से दिख रहा होगा, आपको इस जगह पे उसको मार्क करना होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज माराजो आइलैंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, आपको माराजो आइलैंड्स यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। ये जो एक अलग से ग्रुप बना हुआ है आइलैंड्स का, आपको इधर शो करना है। आप डॉट डॉट करके भी शो कर सकते हो जैसे यहाँ पे शो किया गया है। प्लस इंडेक्स फिल करना गलती से भी मत भूलना, ठीक है। आपको हर एक नाम को इंडेक्स में डालना होगा प्लस उनके सिंबल के साथ। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, डेट इज पेंटनल वेटलैंड। अब ये वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया है, डेट इज पेंटनल वेटलैंड, ये कहाँ पे आएगा। पेंटनल वेटलैंड आएगा आपका इधर, ये दिख रहा है यहाँ पे। आप सबसे सिंपल ट्रिक है इसको याद रखने की, डेट इज आप ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर इसको ऐड कर देना बिना गलती किए, और आप ये वाला सिंबल ही डाल देना क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है उससे, बाकियों से ज़्यादा सिंपल ये है। आप 3-4 ऐसे ड्रॉ कर देना इधर, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 4 पे, डेट इज क्लाइमेट। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट इज आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ये आपको कहाँ पे बनाना है। ये आपको बनाना है ब्राजील का जो एकदम ईस्टर्न साइड है उधर, आप ऐसे इधर भी बना सकते हो, शेप अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो भी चलेगा, बट ये आपके इस एरिया के अंदर ही आना चाहिए क्योंकि तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लस आपको इसी तरह से इसको हाईलाइट करना होगा, सिर्फ एक सिंबल बनाने से नहीं चलेगा, आपको इस एरिया को हाईलाइट करना होगा अलग से। प्लस आपको अपने इंडेक्स के अंदर भी दिखाना होगा कि आपने एरिया को किस तरह से हाईलाइट किया है। प्लस आपकी है मनाउस सिटी। अब ये जो सिटी है ये आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, डेट इज सिटी विथ मैक्सिमम टेम्परेचर, ये आपको मार्क करनी है इधर, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा। हमारी जो मनाउस सिटी है वो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इससे जस्ट नीचे है, आपको इस तरह से इसको पॉइंट करना है। अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 5 पे। अब इसके अंदर सबसे ऊपर जो पॉइंट है डेट इज कटिंगा, ये आपको कहाँ पे दिखाना है। ये आपको दिखाना है ब्राजील के अंदर एकदम ईस्टर्न साइड पे, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, आपको इसी तरह से यही शेप के अंदर
थॉर्नी श्रब्स कटिंग आपको दिखाना होगा, क्योंकि तभी आपको फिर फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लस इसके अंदर भी सेम आप एक सिंबल बना के नहीं कर सकते हो, आपको पूरा एरिया को हाईलाइट करना होगा, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो यस गाइस, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज गोल्डन लायन टेमेरिन। अब ये आपको काफी दिखाना है। अब ये जो क्वेश्चन है गोल्डन लायन का, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको अच्छे से करके जाना। ये आपको दिखाना है ब्राजील के अंदर ही इस साइड पे, ठीक है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये बॉर्डर दिख रहा है, इसके जस्ट पास में आप इसे दिखा देना कोई भी एक सिंबल डाल के। अब हम आ जाते हैं एनाकोंडा के ऊपर। अब ये जो एनाकोंडा है, ये आप कहाँ पे दिखाओगे, ये आप लॉजिक भी लगा सकते हो। जो हमारा वेटलैंड है वहाँ पे आपको एनाकोंडा को भी दिखाना है, दैट इज हमारा पेंटनल। हमारे पेंटनल भी यही साइड थे ना, यहाँ पे आप एनाकोंडा को दिखा सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज स्वॉर्ड फिश। अब फिश फिश कहाँ पे होगी, वॉटर के अंदर, इसलिए आप स्वॉर्ड फिश को यहाँ पे दिखा देना। दैट इज हमारा जो रियो डी जेनेरियो साओ पाउलो है, उस साइड पे आपको स्वॉर्ड फिश को दिखाना है। एंड यस गाइस, हर एक सिंबल एक दूसरे से अलग होना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, वो विजिबली डिफरेंट दिखना चाहिए, हर एक सिंबल एक दूसरे से अलग होना चाहिए। और यहाँ पे बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी सबसे पहले वो वीडियो जाके देखो, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 6, दैट इज पॉपुलेशन। अब इसके अंदर सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज स्टेट्स विद हाई डेंसिटी पॉपुलेशन प्लस स्टेट विद लो डेंसिटी पॉपुलेशन। अब देखो, हाई डेंसिटी के अंदर सबको पता है, दैट इज हमारा साओ पाउलो प्लस रियो डी जेनेरियो, इन दोनों को ही आपको हाई डेंसिटी में दिखाना होगा, इन दोनों में से कोई एक को। प्लस अगर हम लो डेंसिटी की बात करें, इसके अंदर आप आते हैं हमारे रोराइमा प्लस पारा। अब आप रोराइमा को भी दिखा सकते हो प्लस पारा को भी दिखा सकते हो। ये सबसे सिंपल चीज़ है, सबसे सिंपल स्टेट्स है, आप इजीली नहीं याद रख के मार्क करके आ सकते हो। अब कोई भी जाना मत, सिर्फ 3 ही चैप्टर्स बचे हैं। मेरे हिसाब से अभी तक 5-6 मिनट की वीडियो बन चुकी होगी, बट सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं, इनको कंप्लीट करके मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट्स। इसके अंदर भी सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, दैट इज लीस्ट अर्बनाइजेशन, जो कि है हमारे पारा के अंदर ही। इसके अंदर भी आप याद रखो कि लीस्ट अर्बनाइजेशन, लोएस्ट अर्बनाइजेशन किधर है, हमारे पारा नाम के स्टेट के अंदर। प्लस हाईएस्ट अर्बनाइजेशन किधर है, हाईएस्ट अर्बनाइजेशन है हमारे साओ पाउलो प्लस रियो डी जेनेरियो के अंदर। अब इन दोनों में से आप कोई भी एक नाम लिख सकते हो। तो यस गाइस, कमिंग ऑन टू लेसन नंबर 8, दैट इज सेकंड लास्ट लेसन ऑफ योर एंटायर ज्योग्राफी सिलेबस। चलिए बिना रुके बिना थके हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर है हमारी कॉफ़ी। अब कॉफ़ी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कॉफ़ी हमारी प्रोड्यूस होती है इधर ही हमारे ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न साइड पे। ये है ना हमारा रियो डी जेनेरियो साओ पाउलो, इसी साइड पे हमारी कॉफ़ी भी प्रोड्यूस होती है, और उसी वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है प्लस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसली कंडेंस्ड। सेकेंड थिंग, दैट इज फिशरीज। फिशरीज कहाँ पे है, फिशरीज ऑब्वियसली पानी के अंदर होगी, इसलिए आप फिशरीज को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी दिखा सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगा इधर ही दिखा दो, क्योंकि पास पास में आपको याद भी हो जाएगा, और ये जो बाकी के हैं आपको इन्हें भी प्रैक्टिस करना होगा। लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, तो यस गाइस, अब हम आ चुके हैं लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक पे, दैट इज टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ये जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैप मार्किंग में भी क्वेश्चन आते हैं प्लस क्वेश्चन आंसर्स में भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर है हमारा पोर्ट मनाउस। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पोर्ट मनाउस किधर दिखाना है, ये आपको उधर ही दिखाना है जहाँ पे आपने मनाउस सिटी दिखाई थी, दैट इज इधर। प्लस पोर्ट का साइन आपको इसी तरह से डालना है। अब इतना एडवांस नहीं डाल रहे हो तो फिर आप इस तरह से भी डाल सकते हो, चलेगा, ठीक है। प्लस ये जो है ये आपके जस्ट पास में है इधर से। अब हम आ जाते हैं पोर्ट सेल्वेडर पे। अब पोर्ट सेल्वेडर किधर है, ये है आपका इधर, ये जो आपको बेंड दिख रहा है ना, इसी जगह पे आपका पोर्ट सेल्वेडर है। लास्ट पॉइंट, दैट इज बोआ विस्टा। अब ये एक एयरपोर्ट है, और ये एयरपोर्ट है आपके सबसे नदर साइड में। अब आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, विच इज द नदर मोस्ट एयरपोर्ट ऑफ ब्राजील, दैट इज बोआ विस्टा। सो यस गाइज, आज के स्टूडियो में हमने देखा ब्राजील का पूरा वन शॉट लेक्चर सारे मैप मार्किंग के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन मैप के जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन सब के बारे में। तब तक सब्सक्राइब करके रखना, प्लस वीडियो पे अपना प्यार बरसाओ, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद ऑल ऑफ योर क्लास 10th फ्रेंड्स, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरा मोटिवेशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ।